हे ग्लीमिंग जी, हमारे प्रताप में देश प्रेम के लिए जो इतना अधिक उत्साह है, उसे थोड़ा कम कीजिए प्रभु। उनकी बुद्धि में साधारण नागरिकों वाली ऐसी बात जगा दीजिए जिससे उनका जीवन संकटों से दूर रह सके। उन्हें इतना साधारण बना दीजिए कि वो कभी लोगों की दृष्टि में ना आए। हमारे प्रताप को दीर्घायु दीजिए, दीर्घायु दीजिए भीखलीन जी। किए गुस्ताखी, किसने फेंका पत्थर? सामने आओ। हमने फेंका है पत्थर। कोई बीच में नहीं आएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तुम्हें मारने से पहले हमारी एक ख्वाहिश है बच्चे। हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हें मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो। इस राजपूत से वाकई राजपूत? अगर हमने तो सुना था कि राजपूत कभी छुप कर वार नहीं करता। ठीक ही सुना था तुमने। अभी तो हम तुम्हारे सामने खड़े। रुक जाओ, खबरदार जो कोई आगे आया तो गर्दन उड़ा देंगे हम। अच्छे अच्छे जंगजुओं के हाथ कांपने लगते हैं हमारे सामने,
तलवारें फिसलने लगती है वहां तू बैरम खान के हर वार से बच रहा है। राणा जी हमें शीघ्र ही चलना चाहिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलिए मगर अफसोस बैरम खान की शमशीर के आगे तेरा ये बच्चों वाला खेल ज्यादा नहीं चल पाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह सिंह जी छोड़िए हमारा हाथ। ये गुस्ताख लड़का हमारे सामने बहुत बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसे माकूल सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं बैरम खान, हम इस धरती पर इस बच्चे का रक्त बहाने की अनुमति नहीं देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप राणा जी? एक मामूली से गुस्ताख लड़के के लिए बैरम खान से अदावत? क्या हो गया है आपको? आप जैसे दानिशमंद राजा को तो अपने नफे नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो सलूक आप हमारे साथ कर रहे हैं इसका असर आपकी पूरी रियासत के मुस्तकबिल पर पड़ सकता है। पूरी रियासत के लिए खतरा, और वो भी एक गुस्ताख लड़के के लिए। क्या यही है आपकी सियासी समझ, आपकी दानिशमंदी यही है? छोड़िए बैरम खान, हमारे यहाँ संबंधों की परिभाषा और नियम आप लोगों से कुछ भिन्न होते हैं। हमारे यहाँ मेवार का कोई भी बच्चा, चाहे वो राज परिवार का हो या साधारण परिवार का, उसे मेवार की संतान माना जाता है। और हम मेवार की भूमि पर किसी भी मेवार की संतान का रक्त नहीं बहने देंगे। हम आपकी सरजमीन पर आपके उसूल मान लेते हैं। इस गुस्ताख का खून यहां नहीं बहेंगे। इस लड़के को खींचते हुए मेवाड़ से बाहर ले जाते हैं और इसे तहजीब की दो चार बातें सिखा कर मार देंगे। बैरम खान, ये मत भूलो इस समय आप मेवाड़ की धरती पर हैं। हमारे एक संकेत पर मेवाड़ की पूरी सेना, पूरा मेवाड़ आपके और आपकी पूरी सेना के टुकड़े टुकड़े कर सकते। वैसे भी बैरम खान, आप अपने बादशाह का मैत्री संदेश लेकर आए थे हमारे पास, क्यों अपने आचरण से युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं? जबकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय मुगल की सेना स्वयं अपना पुनर्निर्माण करने में लगी। ऐसे में हमारे साथ मैत्री के स्थान पर युद्ध क्या सुविचार होगा? कुछ भी करने से पहले सोचना जरूर बैरम खान। राणा जी,
जलालुद्दीन मोहम्मद हमें खान बाबा कहते हैं। हमारी औलाद की तरह है वो, और आज तक हमारे किसी भी फैसले पर उन्होंने सवाल नहीं किया। यदि ऐसा है बैरम खान, तो आपके कंधों पर उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। क्या आप ऐसे ही अपनी अतिरिक्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं? क्या मुगलों में इसी को समझदारी कहा जाता है? राजनैतिक परिपक्वता और कूटनैतिकता, क्या मुगलों में इसी को समझा जाता है? सोचिए बैरम खान, सोचिए। बैरम खान, आपके लिए अब यह उचित होगा कि आप इस प्रकरण को यहीं भूलकर अति शीघ्र शांति से दिल्ली वापस लौट जाएं। और हम आपको वचन देते हैं, इस दुर्घटना को इतिहास के गर्भ में इस तरह समाहित कर दिया जाएगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसकी चर्चा भी नहीं कर पाए। नहीं भूलेंगे बच्चे। बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, और जो भी उसके खिलाफ गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। आत्महत्या के लिए इतनी इच्छा छिपी है तो हमें बता दीजिए, आइंदे से हम आपके साथ रहे तो थोड़ा संभल कर रहेंगे। क्यों, इतना घुमा फिरा कर क्यों सोचना? आपके लिए सुरक्षित रहने का साधारण उपाय है कि आप हमारे साथ ही ना रहे। वो तो संभव ही नहीं है बाबूजी राज। हमें जो लगता है यदि हम आपसे स्पष्ट कहें तो बुरा नहीं मानेंगे। कह दीजिए धीर भाई जी, प्रताप के लिए ये जो चिंता का प्रदर्शन करते हैं सबसे अधिक दिखावा लगता है। हमारी ममता को गाली मत दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर प्रताप ने साधारण बनने की सीमा को लांघकर मेवाड़ आए मुगलों को क्यों ललकारा? वो कहते हैं कि बादशाह अकबर के बाद मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली जिसे माना जाता है बैराम खान, प्रताप ने उसी के सैनिकों के सामने उसे चुनौती क्यों दी? सारे मेवाड़ में फिर से प्रसिद्ध हो गए ना कौन?
को और प्रताप के लिए हमारे मन में जो प्रेम है, उसके प्रभाव से आप हमारी क्षमता और हट को निर्बल नहीं समझेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं आपके महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा ही नहीं। हमारे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि आप हर प्रयास करेंगे वो पाने के लिए जो आपको चाहिए। यही सुनना चाहते थे हम जी। अकबर प्रताप की जय जयकार हम नहीं सुन सकते, ये तो जानती है ना। हुकुम कुंवर प्रताप के साहसी, किंतु उनकल आक्रमकता का दुष्परिणाम अवश्य निकलेगा। हमें अब मुगलों के कठोर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। हुकुम, बैराम खान के अपमान को मुगल सल्तनत चुपचाप नहीं चाहेगी। हुकुम, निसंदेह आपका कहना उचित, किंतु ऐसी परिस्थिति में मेवाड़ का कोई भी स्वाभिमानी पुत्र इन मुगलों के साथ वही करता जो इस समय बाऊजीराज प्रताप ने किया। रावत जी, आपकी बात सही होते हुए भी कुंवर प्रताप ने बैराम खान के साथ जो किया वो हमें राजनीतिक समझदारी के हिसाब से सही नहीं लगता है। फिर भी आप एक बार राणा जी का विचार भी जान लीजिए। हम आपसे सहमत हैं, हमें भी यही लगता है कि कुंवर प्रताप ने जो किया वो समझदारी की बात नहीं, परंतु जो हुआ ठीक हुआ। जो काम हम मर्यादा में बंद कर किले के भीतर नहीं कर पाए, वो काम कुंवर प्रताप ने बैरम खान के साथ किले के बाहर कर दिखाया। आप सब लोग अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप मन ही मन बैरम खान को कठोर दंड नहीं देना चाहते थे। बैरम खान ने हमारे दरबार में आकर राजपूतों का अपमान किया, क्या आप सब लोग उसे मुंह तोड़ उत्तर नहीं देना चाहते थे? बोलिए। राणा जी, जब प्रश्न हमारी आन बान और शान पर आ जाए तो कभी कभी राजनीति और कूटनीति जैसे सिद्धांत अर्थहीन लगने लगते हैं। हमारी तो एक लिंग जी से यही प्रार्थना है कि मेवाड़ के हर बच्चे को अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए ऐसा ही दुस्साहसी बनाए तो कोई भी शत्रु हमारी मातृभूमि पर आंख तक नहीं उठा पाएगा। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि हमारे बच्चे बच्चे में निर्भीकता और देशभक्ति हो कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता। खम्मा गढ़ी महाराणा, महाराणी सा जयंताबाई ने आपको अभी मिलने के लिए याद किया है। हुकुम, बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, और जिसने भी बैरम खान के साथ गुस्ताखी करने की जुर्रत की तो वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। बाऊजीराज सर बाहर आकर तो देखिए। खम्मा गढ़ी बाऊजीराज, खम्मा गढ़ी। बाऊजीराज आपने जैसे उस मुगल सरदार को चुनौती दी उसी समय हमें लग गया कि आप ही हमें उस नरभक्षी बाघ से बचा सकते हैं। हम रात दिन उस बाघ के डर में जी रहे हैं,
हमें बचा लीजिए बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए, हम आपके ही प्रजा हैं बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। ये आपके चरणों में छोटी सी भेंट है बाबूजी राज, इसे स्वीकार कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए बाबूजी राज। वैसे भी आज रात हम उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने वाले हैं, आप सब यही ठहरी। बस ये एक नया शस्त्र बना रहे थे, लगभग पूरा हो चुका है। बाबूजी राज की जय, 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 बाबूजी राज की जय। क्या आप भी महल छोड़कर जाना चाहती हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा चीजें? क्योंकि हम अपने प्रताप के साथ रहना चाहते हैं। आप कुंवर प्रताप के साथ जाकर रहना चाहती हैं? शायद आप भूल गए हैं जवंत भाई जी कि आप ही ने कुंवर प्रताप को निर्वासित करवाया था। भूलना ही तो नहीं सीखा हमने राणा जी, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ। इसलिए तो हमारे प्रताप के साथ रहकर हम अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। धन्य है जवंता भाई जी, आप धन्य हैं। पहले तो आप हमारे प्रिय पुत्र को हमसे दूर करती हैं और फिर उसी पुत्र के साथ जाकर रहने जैसी धृष्टता वाली बात करती हैं। आपने सोच कैसे लिया कि हम इस बात की आपको अनुमति देंगे? क्यों कर रही हैं आप ये सब चीजें? वैसे भी राज्य मुगलों के आने से समस्याओं में घिर चुका है, ऐसे में आप भी महल छोड़कर चली गई तो राणा जी क्या उत्तर देंगे प्रजा को? धीरबाई जी, आप भी ये अच्छी तरह से जानती हैं कि मेवाड़ की प्रजा राणा जी को पूछती है, यदि प्रजा ने राणा जी को प्रताप के निर्वासन पर क्षमा कर दिया है तो फिर हमारे महल से जाने पर भी वो राणा जी को कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। और वैसे भी हम सदा सदा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही प्रताप बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा को स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे, तब हमारे पुत्र को आपकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है जयवंता भाई जी। पूरे मेवाड़ की सुरक्षा हम जिसे सौंपने वाले थे उनकी सुरक्षा आप करेंगे। समझ गए, बात कुंवर प्रताप की सुरक्षा की नहीं है, बात आपके बड़े षड्यंत्र की अंतिम चरण की है, जिसमें पहले तो आपने कुंवर प्रताप को हमसे छीना, मेवाड़ का उज्जवल भविष्य उनसे छीना, और अब कुंवर प्रताप को केवल अपना बनाकर उन्हें सदा सदा के लिए हमसे दूर कर देना चाहती। नहीं नहीं राणा जी, आप गलत सोच रहे हैं। बस जयवंता भाई जी, बस। अब आपकी किसी भी बात पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। एक राजा के अधिकारों का उपयोग करते हुए हम आपको महल छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे, समझिए। अगर हमारा पुत्र हमें नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में फिर राणा जी हमें आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी होगी। तो ठीक है जयवंता भाई जी, आज इसी क्षण से हम आपको मेवाड़ की महारानी के पद से मुक्त करते हैं। हमारे और आपके बीच सभी संबंधों से मुक्त करते हैं। हम समाज के लिए विवाहित रहेंगे, परंतु आज से आप हमसे पति पत्नी वाले संबंधों की उम्मीद मत कीजिएगा।
व्यवहारिक रूप से हमारा वैवाहिक संबंध आज से इसी क्षण समाप्त होता है, सदा सदा के लिए समाप्त होता है। जयंता भाई जी, हमारी अपेक्षा से अधिक कहीं अधिक साहसी निकले चीजें। मुक्त हो गए आप, बस इतना ध्यान रखना कि आप प्रताप के पास उसे साधारण बनाने जा रही हैं, असाधारण नहीं। व्यवहारिक रूप से हमारा वैवाहिक संबंध आज से इसी क्षण समाप्त होता है, सदा सदा के लिए समाप्त होता है। जयंता भाई जी, यहां से यहां तक। और हां, सभी लोग ध्यान रखना कि कोई भी बाघ के पास जाने की मूर्खता नहीं करेगा। आप सभी लोग दूर से पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप छिप कर आगे बढ़ेंगे, और जिस किसी को भी बाघ का आभास हो तो वो हमें जो संकेतित भाषा हमने बताई है उस भाषा का प्रयोग करके हमें बाघ के बारे में सूचना देगा। जी बाबू जीराज, ये सब तो हम कर लेंगे, पर भीलों का क्या होगा? बाघ से पहले कई उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया तो? देखिए, भील हमारे जैसे ही मानव है, उनसे बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है, परंतु बाघ, बाघ से ना तो बातचीत करी जा सकती है और ना ही उन्हें समझाया जा सकता है। इसीलिए आप सब भील का भय अपने मन से निकाल दीजिए। चलिए रुक जाइए। रानी माँ, आप सब अपने अपने घर जाइए। पर रानी माँ, हमने कहा ना, जो आज्ञा महारानी चा। चलो सब लोग। खम्मा गणी रानी माँ। रानी माँ, परंतु आप यहाँ कैसे, और इन साधारण वस्त्रों में, और आपने उन सभी लोगों को भेज क्यों दिया रानी माँ? इस महत्वपूर्ण अभियान में हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती थी रानी माँ। अब आप एक ही जगह जाएंगे प्रताप, और वो है आपका तलहटी वाला निवास स्थान। रानी माँ रुकिए ना, क्या आप हमारे साथ यहाँ पर रहने आई है? रानी माँ, रानी माँ, राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो। इस राजपूत से क्या हुआ हुजूर? दिल्ली के सफर के लिए इस आखिरी दौर में हमें इसी गांव में आराम के लिए रुकना है। भाई, इस पूरे गांव को जला के राख कर दो। लेकिन हुजूर, इस गांव से तो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो इसको जलाने की वजह? गुस्सा। इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं अफसर, और तुम जानते हो कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम सामने वाले को मार मार के उस गुस्से को उतारते हैं।
इस मेवाड़ की सरजमीन पर हमारी बहुत तौहीन हुई है। पहले उदय सिंह के दरबार में और फिर वो बच्चा। हमारे लिए उस तौहीन का बदला लेना बहुत जरूरी है। चला डालो इस पूरे गांव को। हमारे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, हमारे साथ रहने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया रानी माँ। क्यों रानी माँ, कहाँ से आ गई आप में दाजी राज के विरुद्ध जाने की शक्ति? जिस मान मर्यादा के साथ, जिस सुख सुविधा के साथ आप रही हैं, आपने उन सबको एक पल में छोड़ दिया। क्यों रानी माँ? हमें नहीं पता प्रताप, हम इसे शक्ति कहें या अपने पुत्र के लिए हमारी दुर्बलता। प्रताप, हम और कुछ नहीं चाहते, बस आप सुरक्षित रहें, और कोई संकट ना मोल ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बताइए आप कर पाएंगे हमारे लिए इतना? रानी माँ, यहाँ के लोगों को हमारी आवश्यकता है। हमने जो कहा वो आप कर पाएंगे या नहीं? आज से बिना हमारे अनुमति के आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। आज से इस बात का निर्णय हम लेंगे कि आपका घर के बाहर जाना सुरक्षित है या नहीं। रानी माँ, इसका अर्थ एक प्रकार से ये हुआ कि हम इस घर में बंदी हैं। आप जो चाहे निष्कर्ष निकाल लें, पर हम इस बात पर और कोई समझौता नहीं करेंगे। अब कौन पता होगा? मैंने सुना है बड़े साथियों आपको न्याय मिलेगा, मिलेगा। हम मारेंगे बाप के बाप, ये हमारा वचन है। वचन है। आपकी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा रानी माँ, परंतु हमें उस नरभक्षी बाघ को मारना ही है। हमने यहाँ के लोगों को वचन दे रखा है, और एक राजपूत वचन देकर उसे ना निभाए, ऐसे संस्कार ना ही हमें ताजी राज ने दिए हैं और नहीं आपने रानी माँ।
हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम आपको भली भांति जानते हैं प्रथा। बाजीराज चक्रपाणी, हम आपको आपका खंजर लौट जाना आए थे। सोचा अब महारानी साहब आ गई है तो आपको इसकी अधिक आवश्यकता होगी सुरक्षा के लिए। चक्रपाणी, पता नहीं रानी माँ को क्या हो गया है, उन्होंने हमें कक्ष में बंद कर दिया है और बाहर से ताला भी लगा दिया है। पता नहीं चक्रपाणी, रानी माँ हमें कहीं नहीं जाने दे रही है। रानी माँ को हमने पहले इतना भयभीत कभी नहीं देखा। हमें लगता है इस भय के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा, इसलिए अच्छा यही होगा भाऊजीराज कि आप महारानी साहब का आदेश चुपचाप मान लें। फिर बाघ को कौन मारेगा चक्रपाणी? वो नरबक्षी बाघ पता नहीं बस्ती में अब किसको अपना भोजन बनाएगा। चक्रपाणी, हमें ये सोचने पर नींद ही नहीं आ रही है। पर विकल्प क्या आपके पास? अब ये दीवार तोड़कर आप बाहर आओगे? मैं भी बाघ को मारने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ बाबूजीराज। चक्रपाणी, नरबक्षी बाघ का शिकार तो हम कर ही लेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक हम वन से ना लौटे तब तक आप हमारे कक्ष में प्रताप बनकर रहें, ताकि हमारी रानी माँ को संदेह ना हो सके। क्योंकि हम जानते हैं चक्रपाणी, हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी रानी माँ रात में हमारे कक्ष का निरीक्षण करने अवश्य आएंगे। और महाराणी से निरीक्षण करने आ गई तो हम क्या करेंगे बाजीराज? हम तो किसी भी कोण से बाजीराज प्रताप नहीं लगते। आपको कुछ नहीं करना चक्रपाणी, बस हमारे स्थान पर जाकर सोना है। और यदि महाराणी से हमें पकड़ लिया तो हम मृत्युदंड पक्का। आप भी ना चक्रपाणी, अब मृत्यु से क्या डरना? वैसे भी आप हमारे साथ जंगल चलकर बाघ के हाथों मरने के लिए तो तैयार हो ही चुके थे, तो फिर चाहे वहां अपने प्राण दो चाहे यहाँ, इसमें अंतर क्या पड़ता है? आप अपने मित्र के लिए प्राण देना चाहते हैं और इसके लिए ईश्वर आपको भरपूर अवसर दे रहा है, तो फिर मृत्यु का स्थान और प्रकृति हमें ही चुन लेने दो। अब एक और समस्या, आपसे वाद विवाद करने में हम कभी नहीं जीत सकते। मारी जैसे मारना वैसे मारी। बाजीराज, अपने ध्यान रखना वन में, क्योंकि इस नरभक्षी बाघ के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होगा जैसा बैरम खान पर था। Thank you.
तो जंगल के जानवरों ने संदेश देना आरंभ कर दिया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाघ विकट है। तो बाघ हमें नहीं देख पा रहा है, कोई बात नहीं, हम स्वयं अपने आप को तुम्हें दिखाएंगे।